और उसका परिणाम था कि यहां पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। निवेश की इन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2,925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। यही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संरक्षण में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं बल्कि अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए और वहां पर अब वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। और ये पहली बार हुआ कि धर्मस्थलों से माइक हट जाए और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनकी वैल्यूम को कम किया गया और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतः स्फूर्त भाव के साथ, ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने, बड़ी शालीनता के साथ शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। पास्को एक्ट के अंतर्गत भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए महिला और बालिकाओं के प्रति अपराधियों को कोई भी अपराध करने वाले अपराधियों को भी न केवल सजा दिलाई गई बल्कि उसकी प्रभावी पैरवी करते उसे कटघरे में भी खड़ा किया गया। और ये पहली बार हो रहा है जब प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने के साथ साथ